चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा दिसंबर माह के पहले सप्ताह में राजस्थान में प्रवेश करेगी। मध्य प्रदेश से झालावाड़ जिले के पिड़ावा कस्बे में यात्रा प्रवेश करेगी, जहां पर प्रदेश भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं की ओर से यात्रा का भव्य स्वागत किया जाएगा। इसी बीच प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा यात्रा के रूट वाले जिलों में तैयारियों का जायजा लेंगे। डोटासरा आज बूंदी, कोटा और झालावाड़ जिले का दौरा करके तैयारियों का जायजा लेंगे, साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की बैठक भी लेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा अभी कुछ ही देर में बूंदी के लिए रवाना हुए हैं, कुछ देर पहले ही। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा के साथ मंत्री प्रमोद जैन भाया, सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, मंत्री ममता भूपेश, संदीप चौधरी और रामलाल जाट भी रवाना हुए हैं और तैयारियों का वहाँ जायजा लेंगे। यात्रा के रूट की तैयारियों को लेकर शाम को 4 बजे झालावाड़ जिले के पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई है, जहां पर इस यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। गौरतलब है कि भारत जोड़ो यात्रा 3 से 6 दिसंबर के बीच झालावाड़ जिले में प्रवेश करेगी। राजस्थान में यात्रा तकरीबन 521 किलोमीटर की होगी और 21 दिनों तक रहेगी, और उसी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर यहाँ तैयारियां की जा रही है, जिसके चलते पीसीसी चीफ आज जिलों के दौरे पर हैं, जहां पर यात्रा की तैयारियों को लेकर वो बैठक भी लेंगे।